हेलो, नमस्कार। आज हम बनाएंगे तोरई। तो ये तोरैया है, हम इसको तोरैया बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं तो वो आप है ना, देख लीजिए। ये तोरैया है, ये देखिए, इसको रगड़ के है ना छीलना है, जैसे कि मैंने छीला है। और है ना, इसको है ना काटने के बाद हम नहीं धोएंगे, हम काटने के पहले छीलेंगे इसको और फिर धोएंगे, आजू बाजू से काटेंगे और फिर हम कटिंग करेंगे। ये देखिए है ना, कटिंग करने के बाद में हम इसको नहीं धोएंगे। ये बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल होती है ये, और इसके बेनिफिट ये बेनिफिट हैं। कहा जाए तो ये आज का सुपर फूड है, जिसको कहीं ना कहीं है ना लोग भूल गए हैं। तो आज हम है ना इसको ऐसे तरीके से बनाएंगे कि बेनिफिट तो है ही है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी है और खाने में है ना टेस्टी बहुत है। तो हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 4 स्पून, जो टेबल स्पून होती है ना टी पाउडर, 4 स्पून है ये, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा तेल डालेंगे तो सब्ज़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने ये गार्लिक डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, प्याज डाल दिए एक, और ये हींग डाल दी। ये देखिए बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लहसुन, मिर्ची, प्याज और हींग। अब हम है ना कटी हुई तुरैया डाल देंगे। ये देखिए, आप कोई भी साइज़ में इसको कट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने है ना कोकोनट से बनाई थी, वो भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने शेयर की है और मैं अभी भी शेयर कर रही हूँ। अब मैंने सिर्फ नमक डाला है और हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ग्रीन वेजिटेबल साइड डिश के रूप में ये बहुत हेल्दी होती है। और ये है ना पॉड्स हैं, ये गार्लिक, ये लहसुन की कलियां हैं। अगर आपको लहसुन बहुत पसंद है और हार्ट के लिए या बॉडी के लिए लहसुन बहुत यूज़फुल रहता है, तो इसमें है ना 5-6 कलियां आप डाल सकते हैं, जो कि मैंने है ना सीधा डाल दिया है। और इसको नमक डाल के ढक के रख दीजिए। 2 मिनट के बाद हम देखेंगे तो हमारी सब्जी है ना सीज गई है। ये देखिए, यानी कि ये गल भी गई है और बन गई है। ये बहुत क्विक एंड इजी फास्ट रेसिपी है ये, और जलाना नहीं है किसी भी चीज़ को। ये देखिए 2 मिनट में बन के ये रेडी हो गई है, तुरैया की सूखी सब्जी। ये देखिए कितनी अमेजिंग है, कलर और टेक्सचर देखिए आप, कितना अच्छा आया है। इसका कलर नहीं गया है, क्योंकि हरी सब्जी का कलर है ना कभी भी है ना मैसअप नहीं होना चाहिए, तभी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहती है। ये देखिए हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है, और इसको ढककर रख दीजिए। ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसे रहेगा। ये देखिए, अगर हम डेली खाने में इसको यूज करते हैं तो हम है ना हमेशा हेल्दी रह सकते हैं खाने के थ्रू। ये हमारी ग्रीन वेजिटेबल है तुरैया, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। अगर आप ये खाते हैं तो हमेशा के लिए हेल्दी रहते हैं, चाहे आपकी हार्ट का प्रॉब्लम हो, डाइजेशन हो, फैट्स का हो, ये सब सॉल्व कर देती है। देखिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।